So in the above video I explained that we have to get the nutrition from different food items, and that I explain in detail that is taught in your textbook. The carbohydrate we obtain from this food item, protein is obtained from this food item, and that is why I prepared that slide for you to understand better in detail. Okay, now what do different food item contain? Okay, what to do a different food item contain, like different food item. Okay, we eat a lots of variety of food item, like if we eat idli and sambar. So idli is made from rice and udad dal. So udad dal is a pulses and rice is a grains, means carbohydrate. Rice is a sources of carbohydrate. So carbohydrate kya hai, ek nutrient hai, aur udad dal also a nutrient, but this is a type of protein nutrient. Okay, and sambar, so sambar is also made from dal. So dal is also a pulses. Okay, aur pulses mein se humko kaun sa nutrient obtain hota hai, kaun sa nutrients obtain hota hai, protein. So here we have to see idli mein rice और दाल, और सांभर में डिफरेंट दाल्स. तो दाल्स कंटेन प्रोटीन. ओके, अदरवाइज प्रोटीन इज ऑब्टेन फ्रॉम दाल एंड कार्बोहाइड्रेट इज ऑब्टेन फ्रॉम राइस. तो इडली एंड सांभर अदरवाइज डोसा एंड सांभर आर अ मिक्सिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन न्यूट्रिएंट दैट वी ऑब्टेन. ओके, सो वॉट टू डिफरेंट, यहाँ पे हमने डिफरेंट फूड आइटम का नाम पढ़ा, इडली एंड सांबार एंड डोसा. ओके, अदरवाइज हमने भिंडी की वेजिटेबल बनाई, मीन्स लेडीज फिंगर, या कोई पंजाबी आइटम्स बनाए तो पंजाबी आइटम्स में हम टमेटो ग्रेवी बनाते हैं. ओके, ऑनियन ग्रेवी बनाते हैं, पालक की सब्जी बनाए थे डेट इज स्पीनच, तो वो हुआ विटामिन्स. ओके, विटामिन्स मिलते हैं हमको स्पीनच में से. लेडीज फिंगर अदरवाइज, ओके, तो लेडी फिंगर में से हमको विटामिन एंड मिनरल मिला, तो ये फूड आइटम क्या कंटेन करती है, विटामिन एंड मिनरल न्यूट्रिएंट. ओके, सो ये जो डिफरेंट फूड आइटम है डिफरेंट न्यूट्रिएंट कंटेन करती है, दिस वन आर मोर इंग्रेडिएंट. ओके, दिस लाइक इन हमारी जो डिश है, दाल राइस चोटी रोटी चपाती वेजिटेबल्स, वो जो डिश है वो डिश में अलग अलग फूड आइटम है, और अलग अलग फूड आइटम बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, अलग अलग इंग्रेडिएंट. इंग्रेडिएंट मीन्स आपकी मम्मी जो मसाला ऐड करती है, जैसे चिली है, टर्मरिक है, ओके, स्पाइस आइटम है, लेमन है, टर्मरिक है, सॉल्ट है, टू मेक इट टेस्टी, दैट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट. ओके, तो डिश हम किस में से बनती है, वन और मोर इंग्रेडिएंट प्लांट, बिकॉज प्लांट में से ही वेजिटेबल ग्रो होता है, ग्रेन्स ऑल्सो व्हीट राइस ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. ओके, और एनिमल्स, ओके, मिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड द फूड आइटम इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम द मिल्क, लाइक पनीर, बटर, घी, ओके, चीज. ओके, तो दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. तो प्लांट एंड एनिमल्स आर मोर सोर्सेस एंड मेन सोर्सेस ऑफ फूड आइटम. हियर वी हैव टू लर्न अ फूड आइटम कंटेन्स अ कंपोनेंट. व्हिच टाइप ऑफ कंपोनेंट आर कंटेन्ड बाय द फूड आइटम, सेवन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड फाइव मिनरल्स. डायट्री फाइबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायट्री फाइबर? ओके, द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट दोज हु आर कंटेन फाइबर, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वी हैव टू सी इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. जस्ट नाउ इट्स अ सीजन ऑफ मैंगो. ओके, व्हेन वी हैव टू पेल आउट द मैंगो वी हैव टू सी द फाइबर. वाटरमेलन, पपैया, मस्क मेलन, ओके, ग्रेप्स और वेजिटेबल, रेडिश, कैरट, अनियन, बीटरूट, कैबेज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो पत्ते वाले वेजिटेबल्स है, दिस ऑल कंटेन डायट्री फाइबर. व्हाई इट्स कॉल्ड डायट्री फाइबर?
because this fiber help to digest the food. That's why it's called dietary fiber. Water, which are also needed to maintain the body temperature, because water is also a one type of more and most important nutrient to maintain our body temperature. When we drink the water, so हमारी body में जो heat है वो sweat form में और urine form में release होती है, जो आप washroom के लिए जाते हो, that is called urine. So urine और हमारी body के पसीना होता है, that is called sweat. तो sweat और urine form में जो हमारी body में से जो heat release होती है, okay, तो हमारी body का जो temperature है वो decrease होता है, ओके okay? और हमको गर्मी नहीं लगती, वी कैन नॉट सफरिंग फ्रॉम हीट. सो दिस इज ऑल्सो अ सेवन टाइप ऑफ मेन न्यूट्रिशंस कंटेन ऑल फूड आइटम्स.